पूरे मामले को लेकर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बयान भी सामने आया। पवन कल्याण अब राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति बालाजी प्रसाद में पशु में मछली का तेल, सुअर की चर्बी और बीफ वसा मिलाए जाने की बात सामने आई है। संज्ञान में आने से हम सभी अत्यंत विक्षुब्ध हैं, दुखी हैं। तत्काल YCP सरकार द्वारा गठित TDP बोर्ड को इस सवालों के जवाब देने होंगे। इस संदर्भ में हमारी सरकार हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह समूचा प्रकरण मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चिंतनीय प्रकाश डालता है। और अब यह समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंबित सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, आम नागरिकों, मीडिया और अपने अपने क्षेत्रों के अन्य सभी दिग्गजों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए अविलंब एक साथ आना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। तिरुपति में रोजाना करीब 80,000 लोग भगवान बालाजी के दर्शन के लिए देश दुनिया से आते हैं। हर रोज करीब 3.5 लाख लड्डू तैयार होते हैं, लेकिन जो तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की देखरेख में तैयार होती है, अब जब लड्डू में चर्बी का मामला सामने आया तो भक्तों में खासी नाराजगी भी देखने के लिए मिल रही है। ये जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने लैब में टेस्ट करवाया है और टेस्ट में ये पता चला है कि उसमें एनिमल फैट हो सकता है। पिछली गवर्नमेंट जो थी जगनमोहन रेड्डी की, उन लोगों ने किसी और को ठेका दिया था, उसमें ये गड़बड़ी हुई, ऐसा कह रहे हैं। हमने वो टेस्ट कर दी ना वो प्रसाद, तो वैसा तो कुछ नहीं लगा, चर्बी नहीं लगी हमें, वो तो घी का ही लड्डू लगा है। वैसा आपको ऐसी खबर पता चलती है तो दुख होता है, क्योंकि भगवान बालाजी के मंदिर में ऐसी खबर से दुख तो जरूर होता है सर जी। लेकिन ये हमेशा हम खाते हैं घर पे, तो लड्डू जब हमने खाया तो कोई भी कोई ऐसा अलग कुछ लगा नहीं, सही लड्डू सही टेस्ट तो कोई। आपको क्या लगता सर, जब ऐसी खबर आती है तो ऐसे देखिए? हाँ, अभी तो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, प्रीवियसली क्वालिटी इज नॉट देयर, अभी तो फिलहाल ठीक हो गया सभी, पूरा सभी फैसिलिटीज भी एकदम इस पे आ गए, सब कुछ वापस ट्रैक पे आ गया, आपका आ गया सभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लगता है सर, जब ये खबर पता चली कि लड्डू में मिलावट हुई है, घी में मिलावट हुई है, तो आपको दिल दुखता है? बहुत दुखा सर। एक्चुअली हम लोग रेगुलर कस्टमर, रेगुलर आते हैं हम लोग यहाँ पर टेम्पल को, मगर लास्ट 5 ईयर्स में थोड़ा डिफरेंस तो है, 100% डिफरेंस तो है। ऑलरेडी हम लोग अन्नप्रसन्न जाके आया अभी, सो इसका पहले को अभी को डिफरेंस है, सो लड्डू में भी टेस्ट में डिफरेंस आया, सो अभी चेक करना है लड्डू कैसा है। सो ये हमारा इमोशन है, तिरुपति बोले तो हमारा इमोशन है, जो हिंदुओं का सबका इमोशन है, इससे इन लोग खेल लिया, ये पॉलिटिकल वाले पूरा खेल लिया। जो पॉलिटिकल वाला आते दर्शन करते यहाँ पे आके पॉलिटिक्स के बारे में बात करते, यहाँ पे ये पॉलिटिक्स का एरिया नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली डिवोशनल एरिया है। आपको जब ऐसी खबर सुनाई देती तो क्या लगता सबसे पहले? नहीं, लेकिन हमने जो लड्डू लिया है उसमें तो ऐसी कुछ दिखा नहीं है, और भगवान तो बदल दिया है वापस सारा, भगवान के मंदिर में ऐसा अगर होता है तो फिर दर्दनाक बात है। आपको क्या लगता है भाई साहब, जब आपको पता चलता है कि ऐसे जो लड्डू, जिस प्रसाद को आप घंटों घंटों इंतजार करके लेते हैं, और पता चलता है कि उसमें किसी तरह की मिलावट, ऐसी बात सुनने में आए तो बहुत दर्द हो जाता है। और ये सच्चाई आप मीडिया वाले कहने लोगों के सामने ला सकते? धोखा लगा हमको, क्योंकि हम विश्वास से इधर आके प्रसाद लेके जा रहे हैं, तो ऐसा धोखा देने से क्या, उसमें क्या घोटाला है मालूम नहीं है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अब आपको लगता है? जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम तो हमारे एक ही कम्युनिटी है इधर पे, और उन लोगों को पैसा बनाने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है उन लोगों को। तो आपको कैसे लगता है सबसे पहले? बहुत बेकार है, ऐसी मिलाना क्यों जरूरत, काम नहीं है। वो अन्य मतस्थल को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसलिए ऐसे हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया यहाँ पर? बहुत हिंदू लोग हैं, उसको देना दे अच्छा रहता, वो देवस्थान पीपल्स को भी मालूम पड़ने को चांसेस है। वो ऑफिसर रहता ना, वो भी उसका मिला के कर रहा है। आपको दुख होता है जब आपको पता चलता है कि लड्डू में मिलावट हुआ है? बहुत दुख है। वो अन्य मतस्थ का, दूसरा रिलीजन का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए इसे
होता है। अब वापस नंदिनी को ही कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए आपको सर? हिंदू को, कोई भी हिंदू वाला है तो अच्छा लगता है।